साथियों नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई के प्रति आप सबका उत्साह कायम होगा। बच्चों, आज पर पेंसिल, अपने जूते, वर्दी, पेट्रोल आदि कई चीजों की जरूरत होती है। क्या आप इन सभी चीजों में कोई कॉमन या कोई साझा पदार्थ या कोई साझा गुण बता सकते हैं? बच्चों, ये सभी चीजें कार्बन यौगिकों की बनी हुई हैं। कार्बन दुनिया का चौथे स्थान पर मिलने वाला खनिज है और पृथ्वी की भूपरपटी में मिलने वाला यह 15वां पदार्थ है। पृथ्वी की भूपरपटी में कार्बन 0.18% कार्बोनेट, कोयला और पेट्रोलियम के रूप में मिलता है। हमारे वायुमंडल में कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में मिलता है, जो सिर्फ 0.03% ही है। कार्बन के कुछ प्रकार जैसे कि ग्रेफाइट, हीरा या डायमंड और फुलरीन हैं। इन्हें हम कार्बन का अपर रूप भी कहते हैं। कार्बन का परमाणु अंक है 6, अर्थात इसमें 6 प्रोटॉन होते हैं और साथ ही 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉन व्यवस्था है 2, 4। 4 इलेक्ट्रॉन इसके सबसे बाहरी कक्ष में होते हैं। इसी कारण कार्बन की संयोजकता 4 है। यह 4 इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन खो दे तो इसकी इलेक्ट्रॉन व्यवस्था हीलियम की हो जाएगी, क्योंकि इसके पहले कोश में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। लेकिन अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन और ले लेता है तो इसकी इलेक्ट्रॉन व्यवस्था नियॉन की हो जाएगी। लेकिन बच्चों, ऐसा करना कार्बन परमाणु के लिए बहुत ही मुश्किल है। क्यों? आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम कार्बन के परमाणु अंक, इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था, सहसंयोजन आबंध और सर्वोत्तमुखी प्रकृति के बारे में जानेंगे। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कार्बन का परमाणु अंक 6 होता है। अगर हम इसकी परमाणु की संरचना को देखें तो इसके बाहरी कक्ष में यानी कि L कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और अंदर वाले कक्ष में यानी कि K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके नाभिक अर्थात केंद्रक में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। L कक्ष को यानी कि सबसे बाहरी कक्ष को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए यानी कि बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए और एक नोबल गैस या उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था हासिल करने के लिए या तो अपने बाहरी कक्ष के 4 इलेक्ट्रॉन खोने पड़ेंगे या फिर 4 और इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने होंगे। तो बच्चों, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेता है तो इसके साथ ही कार्बन के ऊपर -4 ऋण आवेश आ जाएगा, जो कि संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्बन का आकार बहुत छोटा होता है और उसके बाहरी कक्ष में अगर 4 और इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों के बीच में उत्पन्न स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल को संभालना इस ऋण आयन के लिए संभव नहीं होगा। अतः 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को धारण करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी ओर मान लीजिए, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन खोकर धन आवेशित आयन बन जाता है तो
तो क्या होगा? बच्चों, यह भी संभव नहीं है, क्योंकि कार्बन का आकार छोटा होने के कारण नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी कम है, जिससे इनके बीच आकर्षण ज्यादा है। तो चार इलेक्ट्रॉनों को खोने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसका अर्थ यह है कि यह दोनों ही केस संभव नहीं है। ना तो कार्बन धन आयन बनाता है और ना ही यह ऋण आयन बनाता है। इसलिए कार्बन अपने अन्य परमाणुओं अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है, अर्थात कार्बन सहसंयोजन बंधन बना लेता है, जो कि तत्वों के बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। तो बच्चों, इस तरह कार्बन अपने चार इलेक्ट्रॉन किसी और परमाणु के चार इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा कर लेता है और दूसरे तत्वों के साथ मिलकर सहसंयोजन आबंध बनाता है और नए यौगिकों का निर्माण करता है। सहसंयोजन बंध आयनिक बंध की तुलना में कमजोर होता है। इसी कारण कार्बन के यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक आयनिक यौगिकों से कम है। कार्बन की एक और अनोखी योग्यता भी है, जिसके साथ वह कार्बन के ही और परमाणुओं से मिलकर लंबे लंबे या बड़े बड़े अणुओं की संरचना करता है। इसको हम श्रृंखलन कहते हैं। श्रृंखलन शाखाओं और वलय के रूप में हो सकता है। इसके साथ ही कार्बन के परमाणु एक, द्वि या त्रि आबंध से जुड़े हो सकते हैं। यदि कार्बन के यौगिकों के मध्य कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध होता है, तो इस प्रकार के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। और यदि कार्बन यौगिकों के मध्य कार्बन कार्बन के बीच में यदि द्वि या त्रि आबंध होते हैं, तो इस प्रकार के यौगिकों को हम असंतृप्त यौगिक कहते हैं। चलिए बच्चों, अब हम श्रृंखलाएं, शाखाएं व वलय के बारे में जानेंगे। कार्बन के कई यौगिकों में कार्बन एक दूसरे के साथ अलग अलग प्रकार से जुड़े होते हैं, जो इस प्रकार दिखाए गए हैं। पहला रूप है श्रृंखलाएं। इसमें कार्बन कार्बन के साथ एक श्रृंखला या चेन के रूप में जुड़ा होता है, जैसे मीथेन या प्रोपेन। दूसरा रूप है शाखाएं, जिसमें कार्बन कार्बन में शाखा के रूप में जुड़े होते हैं, जैसे कि ब्यूटेन या पेंटेन इत्यादि। इसी तरीके से कार्बन वलय के रूप में भी, यानी कि एक रिंग के रूप में भी आपस में जुड़े होते हैं, जिसका उदाहरण है बेंजीन। तो इस प्रकार से कार्बन अलग अलग रूपों में एक दूसरे से जुड़कर नए नए यौगिक बनाते हैं। चलिए बच्चों, अब हम संतृप्त और असंतृप्त यौगिकों के बारे में जानना शुरू करते हैं। बच्चों, हमने मीथेन की संरचना समझ ली है। अब हम एथेन, एथीन और इथाइन के बारे में जानेंगे। C2H6 सूत्र के साथ बनने वाला यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन से बना है। एक सरल कार्बन यौगिक की संरचना प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कार्बन के परमाणुओं को एक आबंध के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है, तथा फिर कार्बन की शेष संयोजकता को
संतुष्ट करने के लिए अर्थात कार्बन की संयोजकता को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन के परमाणुओं का उपयोग करते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के एक और यौगिक का सूत्र है C2H4, इसे हम एथीन कहते हैं। इसमें प्रत्येक कार्बन दो हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ा होता है, लेकिन प्रत्येक कार्बन परमाणु की संयोजकता अभी भी अपूर्ण है। इसे तभी पूर्ण किया जा सकता है जब दो कार्बन के बीच द्विआबंध हो। कार्बन और हाइड्रोजन के एक और यौगिक का सूत्र है C2H2, इसका नाम है एथाइन। कार्बन के परमाणुओं की संयोजकता पूर्ण करने के लिए यहाँ कार्बन के दोनों परमाणुओं के बीच में त्रिआबंध जरूरी है। तो बच्चों, कार्बन के ऐसे यौगिक जहाँ कार्बन परमाणुओं के बीच में केवल एक आबंध होता है, उन्हें संतृप्त यौगिक कहा जाता है, जैसे कि एथेन। लेकिन जहाँ कार्बन परमाणुओं के बीच में द्विआबंध या त्रिआबंध होते हैं, उन्हें असंतृप्त यौगिक कहा जाता है, जैसे कि एथीन या एथाइन। असंतृप्त यौगिक संतृप्त यौगिकों की तुलना में ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच के बंध निकलकर कोई और भी परमाणु यहाँ पर आसानी से जुड़ सकता है। अब हम कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणों के बारे में जानेंगे। बच्चों, हम ज्यादातर जो ईंधन इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यह सभी या तो कार्बन है या उसके यौगिक हैं। आइए अब हम कुछ कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणों के बारे में जानें। कार्बन अपने सभी रूपों में ऑक्सीजन के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ ताप, ऊर्जा और प्रकाश देता है। अधिकतर कार्बन यौगिक जलने से बड़ी मात्रा में ताप, ऊर्जा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। बच्चों, चलिए इसे समझने के लिए हम एक क्रिया करते हैं। एक चम्मच में थोड़ी सी मात्रा में कार्बन यौगिक, जैसे कि कैम्फर या कपूर लीजिए। एक दूसरे चम्मच में अल्कोहल लें। अब इन्हें एक एक करके जलाएं। उत्पन्न हुई ज्वाला को जरा ध्यान से देखें कि इसको जलाने से धुआं उत्पन्न होता है। अब ज्वाला के ऊपर धातु की एक तश्तरी रखें। देखिए, पहले कैम्फर को जलाने के बाद तश्तरी के ऊपर कजली या काली परत जम जाएगी। क्यों? क्योंकि बच्चों, असंतृप्त यौगिक असंतृप्त कार्बन यौगिक ज्यादातर काले धुएं वाली ज्वाला उत्पन्न करते हैं, लेकिन अल्कोहल के केस में तश्तरी के ऊपर कुछ नहीं जमा, कोई काला पदार्थ नहीं बना। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अल्कोहल एक संतृप्त यौगिक है और संतृप्त यौगिक सामान्य रूप में साफ ज्वाला के साथ जलते हैं। चलिए इसे समझने के लिए हम एक और क्रिया करते हैं। एक बर्नर लीजिए और इसे जलाइए। भिन्न भिन्न प्रकार की ज्वाला या धुआं उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर वायु की मात्रा को घटाइए और बढ़ाइए। आप देखेंगे कि वायु की मात्रा घटाने और बढ़ाने से
संतृप्त हाइड्रोकार्बन से भी काली या कजली ज्वाला निकलेगी। बच्चों, में घरों में इस्तेमाल किए जाने वाली गैस या मिट्टी के तेल के स्टोव में भी वायु के आने जाने के लिए छेद होते हैं, ताकि भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके और ऑक्सीजन के मिश्रण के साथ यह गैसें जलकर साफ और नीली ज्वाला उत्पन्न कर सके। चलिए अब हम कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला गुण हम पढ़ते हैं ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। कार्बन यौगिक जैसे कि अल्कोहल, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाते हैं। अब यहाँ पर यह अभिक्रिया इस प्रकार होती है, CH3CH2OH अल्कोहल है, यह क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4 या अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि CH3COOH देता है। यहाँ पर अल्कोहल में ऑक्सीजन जुड़ गई और उसका ऑक्सीकरण हुआ और वह कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो गया। जो पदार्थ दूसरे पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं उन्हें ऑक्सीकारक कहा जाता है, और यहाँ पर क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करते हैं। दूसरी अभिक्रिया है संकलन अभिक्रिया। पैलेडियम या निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में बदल जाते हैं, जैसे कि इस अभिक्रिया में हो रहा है। यहाँ इस अभिक्रिया में निकल या पैलेडियम उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किए गए हैं। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण किसी भी अभिक्रिया की दर बदल जाती है, लेकिन वे स्वयं प्रभावित नहीं होते। तीसरी अभिक्रिया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। वैसे तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन अनअभिक्रियाशील होते हैं, परंतु सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता जाता है और वह हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता चलता है, जैसे कि इस अभिक्रिया में हो रहा है। मीथेन प्लस क्लोरीन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CH3Cl और HCl में बदल रहा है। यहाँ क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं का प्रतिस्थापन करती है। बच्चों, अब हम साबुन और अपमार्जकों के बारे में जानेंगे। बच्चों, अगर आप अपनी किसी कमीज को पानी में धोने के लिए डालें तो उसमें से कुछ धूल मिट्टी तो निकल जाती है, लेकिन कई दाग लगे रह जाते हैं। ये दाग धब्बे केवल पानी में डालने से साफ नहीं होते, क्योंकि ये तेल या चिकनाई के हो सकते हैं जिन्हें हम सिर्फ पानी से नहीं हटा सकते। तो फिर इन्हें किस तरह साफ किया जा सकता है? आपने देखा ही होगा, कपड़ों को अच्छी तरह साफ करने के लिए हम साबुन या अपमार्जकों का इस्तेमाल करते हैं। साबुन और अपमार्जक, या जिन्हें हम डिटर्जेंट्स भी कहते हैं, रासायनिक रूप में एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन दोनों का कार्य लगभग एक जैसा होता है।
साबुन का अणु दो हिस्सों से बना होता है। इसका एक सिरा हेड यानी कि सिर और दूसरा सिरा टेल कहलाता है। साबुन का हेड वाला भाग सोडियम या पोटेशियम का कार्बोक्सिलेट होता है जो कि जल रागी या हाइड्रोफिलिक होता है, अर्थात यह जल में घुलनशील होता है। इस पर आवेश होता है, अतः यह सिरा आयनिक होता है। साबुन की टेल लंबी हाइड्रोकार्बन चेन होती है जो कि जल विरागी या हाइड्रोफोबिक होती है। यह चिकनाई, तेल या धूल मिट्टी को आकर्षित करती है। जब पानी में साबुन को घोला जाता है तो साबुन के अणु मैल के इर्द गिर्द एक खास अवस्था बना लेते हैं। इस अवस्था में साबुन के अणु के सिर यानी कि हेड वाला भाग पानी में घुल जाता है और इसकी टेल चिकनाई या मैल के साथ चिपक जाती है। इस विशेष प्रकार के अरेंजमेंट को या इस ढांचे को मिसल कहा जाता है। यही मिसल चिकनाई से कपड़े को ढीला करती है, लेकिन इतना ही काफी नहीं होता। चिकनाई को कपड़ों से पूर्ण रूप से अलग करने के लिए हमें उसे यांत्रिक रूप से थोड़ा सा रगड़ना होता है। इसके लिए हम अपने हाथों से कपड़ों को रगड़ते हैं या मशीन में डालते हैं। वॉशिंग मशीन में भी कपड़े यांत्रिक रूप से रगड़े जाते हैं। तो बच्चों, इस तरह साबुन और डिटर्जेंट मिलकर कपड़ों से मैल को अलग करते हैं और पानी से साफ करने के बाद मैल और ग्रीस कपड़ों से अलग हो जाती है और कपड़े साफ हो जाते हैं। बच्चों, अब हम समजातीय श्रेणी या होमोलोगस सीरीज के बारे में जानेंगे। आप देख ही सकते हैं कि किसी हाइड्रोजन परमाणु को अल्कोहल परमाणु के साथ विस्थापित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने पर कार्बन यौगिकों के गुण भी प्रभावित होते हैं। चाहे कार्बन की यह लड़ी कितनी भी बड़ी हो, यानी कि इसकी लंबाई कुछ भी हो, उदाहरण के लिए जैसे मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल या ब्यूटेनॉल, इन सभी के रासायनिक गुणों में बहुत समानता है। इसलिए यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें कार्बन श्रेणी में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार का प्राकृतात्मक समूह जिसे फंक्शनल ग्रुप भी कहा जाता है को प्रतिस्थापित करता है, उसे हम समजातीय श्रेणी या होमोलोगस सीरीज भी कहते हैं। अगर हम क्रमवार मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन इन सभी के रासायनिक सूत्रों को देखें तो यह भी एक CH2 इकाई के साथ अंतर दिखाते हैं। तो यह भी होमोलोगस सीरीज का ही उदाहरण है। तो होमोलोगस सीरीज के यौगिकों के मध्य CH2 इकाई का अंतर होता है। चलिए बच्चों, अब हम इस अध्याय को दोहराते हैं। देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले कार्बन के सबसे बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात कार्बन की संयोजकता 4 है। कार्बन अन्य तत्वों के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है। कार्बन के यौगिक बनने में निम्नलिखित कारक जिम्मेदार हैं। पहला श्रृंखलन और दूसरा
उसकी चतुर संयोजकता। ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्राकृतात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहा जाता है। कार्बन के यौगिक जलने से बड़ी मात्रा में ताप ऊर्जा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जलते हुए साफ ज्वाला उत्पन्न करते हैं, लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जलने पर काले धुएं वाली ज्वाला उत्पन्न करते हैं। साबुन के अणु पानी में मिसल तैयार करते हैं, जहां अणु का एक सिरा तेलीय पदार्थ की ओर और दूसरा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। इसी के साथ पानी में एक इमल्शन बनता है। बच्चों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। उम्मीद है आपको इनके उत्तर आते होंगे। कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाने के गुण को क्या कहा जाता है? जी हाँ, श्रृंखलन। कार्बन के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके किस प्रकार के बंधों को बनाता है? बिल्कुल सही, कार्बन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके सहसंयोजी बंध बनाता है। इथेन किस प्रकार का यौगिक है, संतृप्त या असंतृप्त? बिल्कुल, एथेन एक संतृप्त यौगिक है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन के मध्य केवल एक आबंध है। बच्चों, इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये अध्याय काफी समझ में आया होगा। तो बच्चों, आप पढ़िए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।